यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात बन गई है। अब यूपी में कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ साथ चुनाव लड़ेगी, साथ ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो गया है। लिहाजा आज सपा कांग्रेस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। 17 सीट पर कांग्रेस जबकि 63 पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। तो थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये जानकारी दी थी कि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और साथ ही 17 सीटें जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि यूपी में 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस और कांग्रेस समाजवादी पार्टी में समझौता हो गया है, बीजेपी को मिलकर हराएंगे, ये भी कहा। उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समामित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 1 सीट पर लड़ेगी, बाकी पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी। ये इंडिया गठबंधन में हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने तय किया है।